गांव में दो मियां बीवी रहते थे, खेती बाड़ी करते थे। तो मियां सुबह सुबह चले जाते थे और बीवी घर पे सारा काम करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो मियाँ सुबह सुबह चला गया अपना काम काज करने, तो बहुत देर लगा दी। बीवी परेशान हो गई कि पता नहीं क्या बात है, क्यों इतनी देर लगा दी है, कभी बाहर जाए कभी ऊपर जाए कभी, परेशानी में कहती है कि परछावन ढाली आया हाईवे रब्बा खैर करी, साढ़े माइए क्यों चीर आया। इतनी देर में वो देखती है कि वो आ रहा है, वो आ गया। दरवाजे में आया तो वो खड़ी थी सामने, पूछने लगी खैरियत थी, तो कहता है कि साड़ी चिक्कड़ विच गड फस गई, सारा दिन उत्थे लंघिया, घर आने नू झट लग गई। तो बीवी कहती है घर सन्या कला देना सी, लैके मैं चार जने चन तेरे वाल वंजना सी, साढ़े बाप ने खत कर लिया, सारा पिंड लैके मैं फिरी, क्या किसे को ना पड़े। तो वो आदमी कहते हैं बापू धी नू पढ़ा छड़दा, चिट्ठियां पढ़ने दा विचों रेड़ का मुका छड़दा। तो बीवी नाराज हो गई, कहती है सानू बोलियां मारें क्यों, पढ़ लिख जांदी वे जट्टा, घर तेरे में आउंदी क्यों। फिर वो आदमी कहता है कि कर गुस्सा ना जटिए, तेरी मेरी उम्र गई आप बाल पढ़ा लीए। फिर वो कहती है बाल किकर पढ़ावेगा, तेरे 10 कुआं ते मदरसा कोई ना। कहती है कहते पेंडू जिंदगी की जिंदगी है, ढोरा वांगो बाल पल दे, डाढ़ी हालत मंदड़ी है। फिर दोनों मिलके गाते हैं कदी वो दिन आ जा सी, हालत पेंडुआं दी जदों पलटा खा जासी।